क्या हाल है सारे भरावां दा? ठीक हो? अच्छा, एक फेसबुक ते समीर शाह मेरे ख्याल च भाई दा नाम सी, उन्होंने मैनू रिक्वेस्ट की सी कि चूजियां दे मुतलक दसो, उन्होंने वास्ते स्पेशल वीडियो लाणगा। मुर्गी तुसां बिठानी है ना, जिस दिन अंडे दे बैठी है मुर्गी, अंडिया ते जिस जगह ते बिठानी है, पराली शाली थले जो भी पाया उहदे ते कूपैक्स मारना है, मुर्गी नूं कूपैक्स पाउडर मारना है सारा जिसम ते, उल्टा करके ना दुम दे थले, पलां दे थले, पट्टां दे विच, इन्हां जगह ते, ठीक है, गर्दन विच कूपैक्स मार के मुर्गी बिठानी है। रोजाना मुर्गी नूं असीं ते रोजाना उठाने, कोई लोग दो दो दिन बाद उठाने, इस वजह तो मुर्गी कमजोर हो जाती है, फिर मार रोज उठाओ कुछ भी नहीं होंदा, पांच मिनट दस मिनट मुर्गी नूं उठा के दाना पानी खिलाओ पिलाओ, ठीक है, बच्चे निकलण इक्की दिन बाद, दो दिन की खुराक जिहड़ा ना बच्चे नाल लैके आंदे ने, कुदरत दी तरफ उहनां दे अंदर होंदी है, दो दिन तक उहनां नूं कुछ भी नहीं हो सकदा, भुखे प्यासे बेशक रखो कुछ भी ना पाओ, पर फिर भी मुर्गी नूं दाणा पानी खिला दिओ, कोई नहीं, इतना कोई खास नहीं होंदा, भी ठा के दस पंद्रह मिनट मुर्गी फिर टुर लवे, कुछ भी नहीं होंदा, ठीक है। चूजियां नूं तुसीं जिहड़ा ना पहले दिन खुराक अगर ते वलैती तरीका इस्तेमाल करने दे, फीड मिलती है 9 PS 9 PS 9 नंबर ब्रीक फीड पोल्ट्री दी, ओ पाई जो तुसी ते 2 महीने तक लगातार ओ पाओ, उहदे नाल चूजे तुहाडे नशलमा ठीक होंदी है, उहदे विच तुसी जिहड़ा रानी खेत 50 वाला इंजैक्शन नीम गर्म पानी विच घोल के 70 CC विच ते ओ पिला सकदे हो, नहीं ते चूजियां दा सब तों अच्छा इह होंदा कि हर 7वें दिन 8वें दिन चूजियां नूं ना, मैं खुद बजाते खुद जिहड़ा ना पोल्ट्री फार्मिंग करदा रहा वां, ते चूजियां नूं 7वें 8वें दिन जिहड़ा वा ना गुड़ लै के ना इतना सारा उहनूं पानी च घोल लो, शीरा बना के ओह पिलाओ ना, चूजे उहदे नाल साफ होंदे रहिंदे ने ते ग्रोथ ठीक करदे ने, खुराक ठीक रखो। देसी तरीका अपना इवें कि अंडा उबाल लो, पहले दिन अंडा उबाल के उहनूं चूरा बना लो, नाश्ते भी जिहड़े चूजियां नूं रोज़ अंडा दिओ, दिन दे टाइम तुसीं बारीक बाजरा लै लो, उस दे विच कणक लै लो वो पीसी हुई दलिया जिहनूं कहिंदे, ओह मिक्स कर लो, मकई लै लो पिसी हुई ओह मिक्स कर लो, ओह तीन चीज़ां तुसीं उहनां नूं पा सकदे हो, पाउडर टाइप बणिया होण थोड़ा थोड़ा ना विच मोटा मोटा ज़रे जे बणे होण, ओह यूज कर सकते हो 2 महीने 3 महीने तक, ओह ते फिर फीड यही है कि तुसीं रेगूलर भी ओह इस्तेमाल करो ते उहदे नाल कुछ नुकसान नहीं होंदा, पोल्ट्री फीड नाल नुकसान भी काफ़ी सारे, 3 महीने ते चूजे लड़ लड़ के सिर पा रहे, अज कल जिहड़े लोकां ने लाया होंदा ना नैट ते ज़्यादातर निक्के निक्के चूचे लड़ 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 के सिर, पहले होंदा सी हाल चूज का भी लड़ते होने, लेकिन उन्हें फीड नाल हीटअप हो जाने, हीटअप हो गए फिर बहुत ज्यादा लड़ते, ठीक है। चूजियां नूं साफ करते रहोगे ना गुड़ के पानी में, चूजियां नूं दवाई नाल साफ नहीं करना, जेंटल सिरप वगैरह नाल साफ नहीं करना, उहदे नाल बीमार हो जा, इन्हां नूं बस गुड़ देई दे घोल के पीने, नहीं एक दिन प्यासा रख के ओह पिलाओ दाने तो बाद सैट रहना, सब तो बेस्ट हाले का यह है कि रोज गंदम के आटे की खालस आटे की रोटी बना लो, वह इन्हों पाओ दिनों में चूजे इतने इतने माशाला हो जाते, फीड शीट पाने की लोड़ ही नहीं पैंदी, ठीक है। बाकी ब्रीडिंग सैशन समझाने तुहानू थोड़ा जिहा, एक और वीडियो बनाने, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बल्कि अल्लाह हाफिज कह दिता हूँ, चलो उन्होंने मेडिसन के बगैर वैक्सीनेशन के बारे च पूछा, वैक्सीनेशन के बारे तुसी 50 वाला टीका मिलता रानी खेत का, ठीक है, हूँ वैसे बीमारियां ऐसिया ऐसिया आ गई कि असर कोई शाय नहीं करती है, लेकिन इतिहास के तौर पर 50 वाला रानी खेत का टीका लवो, उसनू नीम गर्म पानी लो 70 CC उहदे विच मिक्स कर लो, घोल के उन्हूं किसी बोतल विच महफूज रखो, ठीक है, इह तुहानूं इक बड़ी वड्डी लॉजिक दी दसांगा, उन्हूं बोतल विच महफूज कर लो, महफूज कर के ना उन्हूं जितने चूजे ना तुहाड़े 12 घंटे के अंदर अंदर एक एक कतरा दोवां अखां च पा देना, 12 घंटे बाद अखां दे खुलिए बंद हो जांदे, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮਾਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਨੀ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਗੈਲੀਮਿਓਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ 2700 2800 2900 3000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ 2500 ਦਾ ਵੀ ਹੈ,